तो दोस्तों समय समय कही बात है कि भाई न्यू कलर्स जो है ना तो वो देखने को मिल रहा है रॉयल एनफील्ड के ही गोरिल्ला 450 का मतलब अपकमिंग वाला जो मॉडल है तो उसका जैसे कि नहीं सकते होंगे येलो एंड ब्लैक कलर के ही अंदर ये जो गोरिल्ला 450 है ना तो ये है तो दोस्तों मैंने बोला था ना कुछ ही दिनों पहले कि समय समय की ही बात है और ये जो है ना तो ये है भाई अभी एक न्यू कलर ऑप्शन जो है ना तो वो देखने को मिला है रॉयल एनफील्ड के ही अपकमिंग गोरिल्ला 450 के अंदर। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो न्यू कलर स्कीम है ना तो ये है भाई येलो एंड ब्लैक कलर के ही अंदर है। वैसे आपको मैं दिखाऊँ तो भाई ये जो कलर है ना तो ये एक ग्लॉसी टच के अंदर है जैसे कि देख ही सकते होंगे टैंक के ऊपर और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के ही सामने के मडगट पर। बाकी तो भाई ये भी कुछ देख ही सकते होंगे ये जो रॉयल एनफील्ड के ही 450 के अंदर ये जो ब्लैक और येलो कलर के ही कॉम्बिनेशन में ये जो फ्यूल टैंक जो देखने को मिल रहा है ना ये पेंटेड वाला तो इसके अंदर आपको देखने को मिले येलो कलर के ही ऊपर गोरिल्ला 450 करके ऐसा कुछ जो है ना तो वो कुछ लिखा गया है। बाकी भाई बात कुछ ऐसा ही है कि ये जो बाइक है ना तो इसका भी जो टेल सेक्शन है या फिर पिलियन सीट वाला जो जगह है ना तो उसकी ही आजू बाजू में देख ही सकते होंगे जो येलो कलर का टच है तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि भाई इस वाले बाइक के ही जो सीट है ना तो वो भाई पूरे तरीके से ब्लैक कलर के ही अंदर है। मतलब भाई देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का ही एक जो ये न्यू कलर ऑप्शन जो है ना तो इसके अंदर स्टिकरिंग जो है तो ये कुछ अलग तरीके का देखने को मिला है रॉयल एनफील्ड के ही गोरिल्ला 450 का वो जो आयरन मैन टाइप का जो एक कलर है ना तो उससे। बाकी यहां बात कुछ ऐसे है कि ये जो गोरिल्ला 450 का ये जो न्यू कलर हमने देखने को मिला है ना तो भाई इसका और भी कुछ न्यू कलर अपडेट जो है ना तो वो भी देखने को मिल जाएगा समय समय पर। लेकिन अगर जानना चाहते हो अभी के डेट में कि गोरिल्ला 450 के अंदर क्या कुछ न्यू देखने को मिला है तो बात कुछ ऐसे भाई गोरिल्ला 450 के अंदर जो आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना तो वो भी स्प्लिट टाइप का है। लेकिन भाई ये जो मीटर कंसोल है ना मतलब कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा बोल रहा हूं मीटर कंसोल का जो कि भाई ब्लूटूथ नेविगेशन और इसके ही साथ-साथ ऑडोमीटर ट्रिप मीटर फ्यूल गेज वगैरह जो भी है और इसके ही साथ-साथ भाई एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है ना तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये सारा कुछ चीजें जो है तो वो देखने को मिलने वाले हैं। और हां ये भी कुछ बात है कि गोरिल्ला 450 वाले मॉडल के भी अंदर आपको देखने को मिलने वाला है सामने भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी ये भी कुछ बात है कि गोरिल्ला 450 के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना तो ये भी डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल एबीएस दिया गया है। और हां ये भी कुछ बात है कि गोरिल्ला 450 के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है ना तो वो भी आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्ट तो ये भी कर रहा हूं कि भाई हैजर्ड वार्निंग वाला जो फीचर है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं गोरिल्ला 450 में। बाकी गाइस इंजन के बारे में क्या ही बोलूं भाई ये जो इंजन है ना तो ये एक न्यू इंजन दिया गया है गोरिल्ला 450 के अंदर जो कि एक 450 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर वाला एक लिक्विड कूल इंजन है जो कि भाई 440 सीसी वाला है। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना तो वो है भाई 40 BHP ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी है 40 Nm। बाकी 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना तो वो इस वाले इंजन के ही साथ में देखने को मिला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।